बाबर अकबर को मैसेज किया वापस नीचे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बेडशीट मैंने आज चेंज कर दी, इसको मैं करती हूँ अभी थोड़ा साइड पे। तो बैठे बैठे बच्चों ने प्रोग्राम बनाया, चलो चलो जल्दी चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? अलम अल वसाम। शायद मैं पहले भी कोई वीडियो लगाई है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छी प्राइस में चीज़ें होती हैं, बहुत सस्ते प्राइस में चीज़ें होती हैं, सस्ते सस्ते प्राइस में। चलते हैं, कुछ बच्चों का लेना था सामान। तो बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया, जैसे मैं कह रही थी मेरा मोबाइल कहाँ है, वह हाथ में, अल्लाह हाथ में मेरा मोबाइल है। बच्चों ने पागल कर दिया, कहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, गाड़ी आने वाली है। तो हम जा रहे हैं अलम अल वसाम, हाँ, मिकात जाते हुए उमर बिन खिताब रोड, हमारा दारुल हिजरा। ये दार हिजरा क्यों कहते हैं? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे ना, इसी रोड से ही गुजरे थे, जो दारुल हिजरा जहाँ हम जिस साइड में बैठे हैं, इसको दार हिजरा इसलिए कहा जाता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से जब मदीना आए थे, इसी रोड से ही आए थे। अशा के बाद का टाइम, मदीना मुनव्वरा की खूबसूरत चमकती हुई रात, रोशनियाँ, दारुल हिजरा। ये दारुल हिजरा, जैसे मैंने आपको डिटेल के साथ बताया, ये वो रोड है। हमें खुशी होती है हम मदीना के जिस कोने में बैठे, कोई ना कोई वाकया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर होता है उसमें। तो कहते हैं कोई इबादत ना करो, सो जाओ मदीना मुनव्वरा में रात, वो भी नेकियों में गिनी जाती है। ये देखें खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत ही आसानियां हैं, सस्ती भी होती हैं चीज़ें। थोड़ा सा आपको विज़िट भी करा देते हैं, क्योंकि टाइम ही ऐसा है, शाह के बाद लोगों का हर लाइन में एक दो ठहरा हुआ है। ये बर्तन वगैरह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल गिलास, मुख्तलिफ डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं आज तो। ये देखें, जैसे मैं कहती हूँ प्लास्टिक के डब्बे तो हर जगह इतने आम हो चुके हैं ना, इसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं। आजकल ये जग हैंडल वाले नहीं, इनमें सामान रखें। मैंने कहा जहाँ जब भी आओगे ना आप लोगों को, जग भी हैं, न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो करीमे लोशन, बॉडी वॉश, स्क्रब, फेशियल का सामान, ये मैंने ले लिया, बहुत अच्छी। रेड वाली ज़्यादा अच्छी रहती है सर्दियों में, क्योंकि इसमें ग्लाइसरीन बहुत ज़्यादा होती है, ग्लाइसरीन की वजह से ये बहुत अच्छी होती है। सेट भी विज़िट करा देते हैं आप लोगों को, जैसे मैंने कहा हर कैबन में, हर साइड पे, हर कोई ना कोई गाहक खड़े हैं, ख़ासकर लेडीज़, फिर अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम होती है। ये देख अलम वसाम, ये है मिकात वाली साइड पे आएंगे, वहाँ से पहले रोड उमर बिन खिताब, उस रोड पे ये है। इतनी प्यारी स्टाइल में लगे हुए हैं ये, काफ़ी सारी। ये देखिए बच्चों के लिए कितने प्यारे कलरफुल, जो खाना नहीं चाहेंगे बच्चे वो भी खाना खाएंगे। जी आपको गोल्ड की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, जैसे जैसे नज़र आ रही है ना आप लोगों को गोल्ड की कलर में, तो इन्हीं लोगों को ही इनको यूज़ करना आता है, संभालना, वॉश करना, सबका काम नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह, न्यू डिज़ाइन में जार चीज़ें, ये टेबल के लिए कवर, हर कलर में एक पीस है गोल्डन बैरून, ये आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे 3-4 पीस चाहिए। ये देखिए एक दाना बचा हुआ है, सेल हो चुके हैं, कोई बात नहीं, जो चीज़ नसीब में होती है मिल के रहती है, बिजी बेबी चीज़ से नहीं घबराती। माशाल्लाह, ये देखिए किचन का सामान सारा जहाँ से भी आ रही है आप लोगों को सोने की चीज़ें दिखा दिखा के, गोल्डन गोल्डन, जैसे मैंने कहा यूज़ करना भी इन लोगों को आता है जिनके
पास हैं, जिनके मुल्क में हैं, हम लोग ले जाते हैं, हमारी मासियाँ वो इस तरह से यूज़ करती हैं कि वो दूसरी दफ़ा वाश होने से पहले ही डस्टबिन में जाते हैं। तो जहाँ भी हैं मासियाँ काम करती हैं, तरीका समझा हुआ है उन्हें, बता देते हैं, हम बता दें हमारी नहीं वो समझती चीज़। बच्चों की बुक्स, कलर, स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, मदरसे के लिए, ये सारी चीज़ें, ये वो सही रह चुके हैं। हम ये देखते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ के रिहाइशियों के लिए ये चीज़ें बहुत खूबसूरत और प्यारी हैं। थोड़ा सा मैं अपनी करीम सेट पर रख के आपको विज़िट करा देती हूँ। ये मैं हाथ में उठाई हुई है, इसमें ये बफूर वगैरह वो चीज़ें होती हैं। मज़ीद छोटा करके आपके साथ शेयर कर दें, ये देखें गिर गया मुझसे, ये है इसमें ऊद बफूर वो, और इनमें इनकी जो राख होती है ना वो गिरती है, वो इसको फिर क्लीन कर देते हैं। ये देखें प्यारे से डिज़ाइन, हर डिज़ाइन में आप लोगों को मिलेंगे। ये कैटल बहुत प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, इसके ऊपर आप वो भी कर सकते हैं, कैटल नहीं है, ये भी ऊद के लिए है। ये मैं ले लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, डब्बे में पैक मिलेगा इंशाल्लाह, इजी होता है डब्बे में पैक मिले। कोई चीज़ ऐसी होती है ना, ये बड़े हैं, ये भी रखे हैं, ये भी प्यारे हैं। मेरे पास ऊपर भी बहुत ज़्यादा इनका सामान होता है, मैंने शायद आप लोग को विज़िट कराया है तो ऊपर का टाइम मिलता है या नहीं, क्योंकि नीचे भी काफ़ी विज़िट सामान आ चुकी हूँ परफ्यूम वाली साइड पे। देखते हैं कोई अच्छी सी खुशबू है तो इंशाल्लाह, बॉडी पे लगाने के लिए खुशबू, लोशन, क्रीमें, हैंड के लिए, बॉडी के लिए, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। क्लीन उसे इस तरह से ही सारा झाड़ू लगा कर क्लीन करते हैं, परफ्यूम वाली शेड अतर तो ये भी है, स्मेल को ख़त्म करती है, किचन में हैंड ऐसे जो फिश वगैरह की स्मेल होती है, इस तरह की स्मेल आप किचन में स्प्रे करें, हाथों पे करें, माशाल्लाह ये स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये बंदा लगा रहा है अपना काम, कितने आराम के साथ क्लीन करता हुआ भाई। ये भी ले लिए हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, जिनके खुशबू तो मुख्तलिफ प्राइस में होते हैं, तो चलते हैं बच्चों को ढूंढते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बोतलें आपको स्प्रे वाली नज़र आ रही हैं, ये हम माया होता है कपड़े पे स्प्रे करते हैं वो लगाते हैं, कुछ वो है लकड़ी के लिए, वहाँ हम लगाया क्लीन किया, कुछ शीशे के लिए, ये मुख्तलिफ इनमें हैं स्प्रे। मेरे पास मेरा प्रोग्राम तो नहीं था ऊपर जाने का, मैंने कहा बच्चों ने कुछ लेना है तो फिर चल पड़ते हैं, बच्चों ने कहा हमने ले नहीं है चीज़ें, तो मैंने कहा सोने पे सुहागा तो फिर चलते हैं ऊपर। हम ऊपर वाले रास्ते से जहाँ से ये देखिए इस तरह से ऊपर चल के फिर दिखाते हैं आप। इजी बीजी बेबे, इसके ऊपर ट्राली रख दे, नो प्रॉब्लम। ऐसे अब हम स्लाइड पे चलते हुए ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ आपको प्यारे प्यारे मनाजर दिखा रही हूँ। अमेरिका जो भी जहाँ रहते हैं वो आ सकते हैं, विजिट वाले उम्रे वाले वो भी आ सकते हैं। ये देखें ये है 1150, एक आपको शर्ट भी दिखा देती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी क्वालिटी है कपड़े की। मैं आपको ये बताऊँ ना, जो चीज़ अच्छी होती है मैं बता देती हूँ अच्छी है, जो चीज़ अच्छी नहीं होती वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, होंगी इनमें कुछ इस तरह से अच्छी क्वालिटी वाली नहीं होंगी, बहरहाल ज़्यादा वैरायटी आपको अच्छी मिलेगी, आप भी आके क्वालिटी देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। मेरे पास आपके साथ चीज़ें भी शेयर करते हैं, बातें भी करते हैं। बात यह है कि मैंने बाबर अकबर को मैसेज किया कि जिस इलाके में वो रह रहे हैं ना उसमें फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फ़ायदा क्या है, खुला माहौल है, खुली जगह है, बच्चों के लिए घूमना फिरना वॉक करना खुद के लिए भी आसानी है, कोई इधर उधर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं है। इस्लामाबाद अब काफ़ी अंदरून गर्म हो चुका है क्योंकि हवा सर्दी मौसम अच्छा रहेगा और बाहर निकलेंगे जैसे खुला माहौल है, इनको धूप भी अच्छी लगेगी और इसमें बहुत ज़्यादा जैसे अल्लाह ताला मीर को सब बच्चों को सेहत दे और बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी।
वो जो एरिया है उस एरिया में इनको रहने के लिए पूरे डोर दिन रात क्लोज़ करने पड़ेंगे। नेट है, अगर नेट वाला डोर है वो करें ओपन रखें, बाकी क्लोज़ रखें ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस्लामाबाद में डेंगी बहुत ज़्यादा, हल्का सा बुखार डेंगी बन जाता है कि मैंने मैसेज दिया बाबर अकबर को कि ये चीज़ें ख्याल रखें, वहाँ के जो बहर कुत्ते घूम फिर रहे होते हैं उनके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचे इस्लामाबाद बड़ा सिटी है जहाँ कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा ऐसे 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 मिनटों में होती हैं पता भी नहीं चलता, बस छप्पर दे के 5 मिनट में गाड़ियाँ भी उठा के ले जाते हैं, मोटरसाइकिल क्या बात है। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए मैसेज है मेरा, ये है बाबर अकबर, अपने बच्चों की सेहत के लिए डोर क्लोज़ रखें, डेली की स्प्रे लगाएं, स्प्रे लगाएं तो थोड़ी देर के लिए आप दूसरे रूम में बैठ जाएं, वो भी सेहत के लिए नुकसान। गला जैसे इन लोग के ख़राब होते हैं, वहाँ गले का भी प्रॉब्लम होती है। जहाँ मैं आ चुकी हूँ कपड़े कपड़े की वैरायटी बहुत अच्छी है, इस वैरायटी के साथ इनके रेट भी अच्छे हैं। यहाँ आपको दो रेट में चीज़ें मिलेंगी, वो कौन कौन सी होंगी, एक होगा 5 रियाल 75 हलाला, एक मिलेगी 11 रियाल 50 हलाला में चीज़ें। बस यहाँ दो वैरायटियाँ हैं, दो प्राइस हैं, आकर आप चूज़ करें, देखें जो आपको पसंद आए। जहाँ खुला कपड़ा बहुत सस्ते रेट में पूरे मदीना में कहीं भी नहीं है, यहाँ है। और दूसरा जो जुमा मस्जिद के साथ ब्रीक अल शामिल, शिरका ब्रीक अल शामिल, वहाँ ये कपड़े मिलेंगे आपको और यहाँ भी मिलेंगे। और मैंने एक अलकरात पता नहीं कहाँ किसी मॉल में देखा था, वहाँ बहुत महंगा था, यही कपड़े थे तो इनकी डबल ट्रिपल उनकी मीटर के हिसाब से, वो भी मुझे दुकानदार कहने लगा आप वहाँ देखिए, जहाँ से मैं लेना चाहती हूँ 2-3 सूट दिखाती हूँ आपको। देखो मुझे ऐसा प्यारा लग रहा है, ये बड़ा नफीस सा कपड़ा है, कलर और हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हाँ इसमें ये कलर भी रखा है, बहुत प्यारी चीज़, बहुत ही प्यारी। ये देखें मेरे पास, मैंने एक अपने लिए सूट लिया सिल्क का, मुझे प्लेन सूट और इसके साथ काम वाला दुपट्टा बड़ा शौक हो चुका है। पाकिस्तान हमारे दुपट्टे काम वाले बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ जाके लूँगी 4 मीटर 4 मीटर अरबा मीटर। मेरे पास मुझे कोई अरबी वरबी नहीं आती, ऐसे ही तोड़ फोड़ के उल्टी सीधी बोल के गलत सही बोल के समझा लेती हूँ, बस वो समझ लेते हैं, मेरा काम सौदा बन जाता है। हादा 5 हाँ 5 मीटर 5 मीटर वाहिद। मेरे वर्ष जैसे मैं समझाती हूँ ना, वो मुझे वैसे समझाते हैं। उनका एक पीस निकला है 1.5-2 मीटर का, कहता है इसको साथ मिला के 5 कर दूँ। मैंने कहा नहीं, ये मैं इनके साथ दुपट्टा लगा रही हूँ, इसमें ज़्यादा लूँगी, थोड़ा सा मैं डिज़ाइन इसमें शामिल करूँगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके जब स्टिच करवाऊँगी आपके साथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करूँगी जो मैंने अपने जहन में बना लिया है। 2 डिज़ाइन है, तो जब मैं जाऊँगी देखूँगी कि कौन सा डिज़ाइन इन है, वहीं स्टिच करवाऊंगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। एक बात आपके साथ शेयर कर दूं, बीजी बेबी आपकी डिज़ाइनर भी है, मेरी बुटीक सब सिस्टम हैं, यहाँ से कपड़े भी ले लिए हैं, आपके साथ शेयर भी किए हैं। तो चलती हूँ दूसरी साइड पे, क्योंकि अच्छी बात है जहाँ काउंटर पे जा पता चल जाए 4 मीटर 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर या 900 मीटर नहीं देते साथ, बस लेना है तो कम्प्लीट ले, 3 लें 4 लें 2 लें ओके हादा 3 मीटर ओके। ये देखिए इनके अपने कुशन वगैरह ये चीज़ें, ये रेड है, इसमें कौन सा कुशन होना चाहिए, मेरी बेटी का कुशन ख़राब हुआ पड़ा था, मैंने कहा इसको ला दूँ। बच्चों के टॉयज भी हैं और इस साइड पे शूज़ भी हैं। ये ऊपर वाली जो साइड होती है ना, मुख्तलिफ तो करते हैं, बहरहाल काफ़ी चीज़ें इनमें मिक्स भी होती हैं, जैसे एक साइड पे शूज़ हैं दूसरी साइड पे टॉयज़ हैं। ये माशाल्लाह ब्यूटीफुल कलीने छोटी छोटी जाएँ सफ़र में जाएँ या रूम में बिछा दें, बहुत प्यारे कलर हैं। लेके जाऊँगी अमन खान के लिए, अभी कोई जा भी नहीं रहा और ये खिलौने वगैरह ज़्यादा रखे रहे तो मुझे तसल्ली नहीं रहती। उसने फरमाइश की थी मुझे रिमोट वाली छोटी गाड़ी चाहिए, बड़ी नहीं चाहिए छोटी गाड़ी रिमोट वाली चाहिए। बस मेरे पास थोड़ा सा हमें ये देखें घूम के वापस जाना पड़ता है, लेडीज़ होती हैं
मसला प्रॉब्लम होता है, हम इधर से उधर मुड़ जाते हैं। ये बच्चों के कंबल वगैरह, ये टावल स्टाइल टावल भी हैं, कंबल भी हैं। जो मदर बच्चों को नहलाने का तरीका नहीं आता, ये वो है। आप बच्चों को इजी बिठा के बेल्ट बांध दें और बच्चे वॉशरूम में रखें, नहलाएं। ये देखें, ये वो है चेयर बच्चों को नहलाने के लिए। ये सऊदी, हर अरब मुल्क में औरतें बांधती हैं मुंह पे। ये हो गया, ये तो मैंने खैर ख़रीद लिए हैं, ये भी अलग मिलते हैं। मैंने ले लिए हैं लिपस्टिक वगैरह, ये है हेयर कलर। पीछे मेरे लेडीज आ गए, मैं बात नहीं कर सकती, रश हो जाता है, लोग आ जाते हैं तो बंदा खुश भी हो जाता है, वीडियो भी सही से कर लेता है। तो लिपस्टिक ले लिए, नेल पॉलिश मैंने पहले भी ख़त्म कर दी थी अपनी, यूज़ ही नहीं करती मैं। पांच वक्त कौन उतारे, कौन लगाए, ये इस तरह से प्रॉब्लम होती है। हम जा रहे हैं वापस नीचे, सारा सामान ले लिया है। बनवाते हैं बिल, अभी इसके बाद हम चले जाएंगे, चलते हैं। बच्चे बिल बनवा रहे हैं, मैं इस साइड पे जा रही हूँ बाहर की तरफ निकलते हुए। यहाँ अंदर इंटर हों तो यहाँ इस साइड पे ये चीज़ें सारी बन रही होती हैं। मस्जिद मीकात के मीनार की ये शक्ल है, यहाँ से इहराम बांध के उमरा के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं। खाना काबा की तरह इस मस्जिद का दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है। रास्ते में हमने लिया था जूस, रास्ते में लिया है जूस, तो ये है मेरे हिस्से का। स्ट्रा लगाते हैं, जूस पीते हैं, थक भी बहुत चुके हैं। हाँ, ये कट लगता है छुरी की तरह, इसे जूस गाढ़ा बहुए। चलो जी, थोड़ी सी सुस्ती ख़त्म करते हैं, थकान दूर करते हैं। ये टेस्टी टेस्टी जूस लेने के बाद आ चुके हैं हम डिनर पे। डिनर हमारा मज़े का टेस्टी, और इसमें बना हुआ है मटन और फलियां, टेस्टी सैलेड और मिश्री चावल, सिंपल। मिलते हैं अच्छे से बुला के साथ। बाय बाय, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।